सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले के डॉक्स कैप्सूल्स के बारे में। के डॉक्स कैप्सूल्स का क्या यूज है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने दिनों के यूज़ किया जाता है, यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, यूज़ करने से आपको क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, इसके अंदर क्या क्या इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन डालेंगे और किस प्रकार काम करता है, उसका डोज और डोसेज कितना होना चाहिए, इसका डोज आप किसी दिन मिस कर जाए तो अगले दिन इसका डोज किस तरह से ले सकते हैं, और ये कैप्सूल्स का इस्तेमाल स्किन को नहीं करना चाहिए, और ये कैप्सूल्स का इस्तेमाल करते समय क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, और डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर और कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर इसको क्यों रिकमेंड करते हैं। तो केडॉक्स कैप्सूल्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पर वीडियो पर पहली बार विजिट किए या फिर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। शुरू करते हैं केडॉक्स कैप्सूल, जो कि हमारे पास 10 गोली का कैप्सूल है, जिसकी एमआरपी की बात करें इसकी एमआरपी 110 नॉट्स यानी कि 110 रुपये के करीब इसकी एमआरपी है। केडॉक्स कैप्सूल को केएलएम लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक नामचीन कंपनी है और बहुत सारे डर्मा प्रोडक्ट भी बनाती है। केडॉक्स कैप्सूल के अंदर इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर कंपोजिशन से डॉक्सीसाइक्लिन एंड लैक्टिक एसिड बेसिलस कैप्सूल। केडॉक्स कैप्सूल के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके पावर ऑफ स्टेंस की बात करें तो इसके अंदर जो डॉक्सीसाइक्लिन है वो 100 mg और लैक्टिक एसिड बेसिलस 5 बिलियन स्पोर्स इसके अंदर डाले गए हैं। केडॉक्स कैप्सूल का यूज़ के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। केडॉक्स कैप्सूल का इस्तेमाल रक्त, ब्रेन, फेफड़ों, हड्डियों और जोड़ों, मूत्र मार्ग और पेट और आंतों के इन्फेक्शन के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। केडॉक्स कैप्सूल का इस्तेमाल बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। केडॉक्स कैप्सूल का इस्तेमाल अगर आपके चेहरे पर कुछ पिंपल्स या मुहासे टाइप निकले उसको ठीक करने के लिए भी केडॉक्स कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। केडॉक्स कैप्सूल का डोज और ड्यूरेशन की बात करें तो उसका डोज और ड्यूरेशन आपकी एज और वेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी और वेट कितना है। उसका डोज और ड्यूरेशन नॉर्मली तौर पर ट्वाइस ही डे रहता है, यानी कि सुबह नाश्ते के बाद एक कैप्सूल, रात को खाना खाने के बाद एक कैप्सूल ले सकते हैं, और 7 डेज कंटिन्यू ले सकते हैं, वो भी अपने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर की देखरेख में। अगर आप उसको कंटिन्यू बेस पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, यानी कि अपने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल नहीं करें, कंटिन्यू बेस पर इसका सेवन किया जा रहा है, तो कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। आपको साइड इफेक्ट में आपको हो सकता है आपको डायरिया दस्त हो सकती है, मिसली आना हो सकता है, उल्टी हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, तो ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो केडॉक्स कैप्सूल का इस्तेमाल अपने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। केडॉक्स कैप्सूल किस प्रकार काम करता है, यानी कि हाउ टू वर्क्स केडॉक्स कैप्सूल। केडॉक्स कैप्सूल के अंदर दो दवाई रहती है, यानी कि डॉक्सीसाइक्लिन और लैक्टिक एसिड बेसिलस, दोनों ही एंटीबायोटिक्स दवाई है जो बैक्टीरिया को एक काम करने के लिए जरूरी प्रोटीन को बनने से रोककर बैक्टीरिया के विकास को भी रोकता है। लैक्टिक एसिड बेसिलस एक जीवित माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आंतों को अच्छे बैक्टीरिया के संतुलन को बनाए रखता है, जिन्हें एंटीबायोटिक्स का उपयोग करने से या आंतों में इन्फेक्शन होने की वजह से नुकसान पहुँच सकता है। केडॉक्स कैप्सूल का इस्तेमाल स्किन को नहीं करना चाहिए अगर वो लेडीज़ प्रेग्नेंट है, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, या कोई पेशेंट जो कि एल्कोहल का कंज्यूम करता है, या कोई पेशेंट जिनको लीवर या किडनी से जुड़ी कुछ डिसीज है, तो इन कंडीशन में केडॉक्स कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं करें। केडॉक्स कैप्सूल को यूज़ करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन या फीमेल डॉक्टर या फिर अपने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर या कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में इस कैप्सूल का इस्तेमाल करें। अपने मन से केडॉक्स कैप्सूल का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। केडॉक्स कैप्सूल के बारे में कुछ भी डाउट हो तो हमारी कमेंट सेक्शन बताएं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी है वहाँ पर बताएं। केडॉक्स कैप्सूल का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए था, कोई भी कैप्सूल का इस्तेमाल करने के पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें।